too many friends. Coming through and I'm hitting like a train. I'm out. क्योंकि अल्लाह को आजकल मैं बहुत कम याद करने लगा हूँ. With the stars in the rain, blowing dope medicine to my brain. All the days gotta do it for the pain. Yeah, I do it for the pain. अब मजे आएगा ना भीड़ू. So अब हम जा रहे हैं एक road trip पे. मजा आने वाला है बहुत. चल झूठा. ट्रिप पे कुछ नहीं जा रहे हैं. हाँ वो भी दिन आएगा, एक दिन आएगा, मैं बोलूंगा, मेरा खुद का लाइसेंस रहेगा और मैं बोलूंगा कि हाँ मैं रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ. बट बेसिकली रोड ट्रिप पे नहीं जा रहे. अभी एक्चुअल में हम वर्कआउट करने जा रहे हैं. एंड वेलकम टू चैनल पे, कहा जा रहे हैं एब्सोल्युटली ग्रेट, इफ नॉट होइंग एब्सोल्युटली ग्रेट. बस खाली एक बार लॉकडाउन पूरा खुलने तक कोरोना वायरस जाए ना, सीधा अर्जेंटीना निकलेंगे. बट यस, एक्चुअल में मेरे पापा की गाड़ी में ये कर रहा था जो कि है एक टायर. वो टायर मेरे को वर्कआउट के लिए चाहिए था और एकदम मतलब है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं अपन. देखो अपने पास इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं बट नहीं खरीदने का, क्यों? बिगड़े भी आई एम अ मिडिल क्लास पर्सन. और अपन जुगाड़ करते हैं तो ये अच्छा खासा मतलब वजन का तो है. तो ये मेरे पापा की गाड़ी में से मतलब मेरे पापा ने टायर चेंज किए तो उनको एकदम तगड़ा वाला टायर मिल गया. मैं बोला टायर बचा के रखना, तुम्हारे लड़के को वर्कआउट करने का है. मेरे को एकदम बड़ा वाला टायर चाहिए था, वो जो एकदम ऐसा ट्रक का टायर रहता ना. बट मैंने सोचा कि वो मैं रखूँगा किधर पे. हाँ मेरा ऐसा 100 acres की जगह वगैरह तो है नहीं, मतलब कुछ है तो नहीं, तो इसलिए मैंने बोला चलिए यही टायर से काम चला लेते हैं. सो यस, दिस इज व्हाट द स्टोरी अबाउट टायर इज. नॉट इंटरेस्टेड यार. तो अब देखो, अब सीन क्या है कि मेरे पास है तीन चीज़ें, तीन इक्विपमेंट्स. एक स्केटबोर्ड, दो डंबल्स, एक 5 kilos का, एक 2.5 kilos का और एक बड़ा टायर. तो अभी मेरे को ये टायर सब लेके सब कैरी करके मेरे को वहाँ पे जाने का रहता है वर्कआउट करने. पहले मैं डंबल्स और स्केटबोर्ड ही लेके जाता था, अभी टायर भी हो गया. बट मैं टायर वहाँ पे रख दूँगा क्योंकि मैं हर टाइम टायर को इधर लाऊँगा मेरी सोसाइटी में, फिर लेके जाऊँगा, फिर लाऊँगा, भाई बहुत दिमाग ख़राब हो जाएगा. इसलिए अपन टायर उधर रख देंगे. स्मार्ट गाय. तो ऐसे कुछ दिख रहे हैं हम. ओ माई गॉड, दिस इज डोप शिट. वी डू डोप शिट ओवर हियर. सो मेक श्योर स्मार्ट गाय सब्सक्राइब करने पे पड़े भैया. बस सुबह प्लग हुआ, क्या एनर्जी है. A few inches later, we are here at our मैदान, पहाड़ने वाला मैदान. देखते हैं अभी मैं इसका कुछ, मेरे को बहुत सारे वर्कआउट्स, मैंने बहुत सारे सेट्स, बहुत सारे कैसा बोलेंगे, सेट्स नहीं बोलेंगे, बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने देखा हूँ इसकी. अभी देखते हैं कैसा होता है, फिर अपन करते हैं इसका टायर का और लेट्स सी. बट है ना, वर्कआउट करते वक्त है ना रिकॉर्ड करना भाई कतई मुश्किल है. मतलब बार बार देखना पड़ता है, अरे हुआ कि नहीं, फिर गाना चेंज करना पड़ता है ना साउंड के हिसाब से, जाने का वाइब के हिसाब से. एकदम तगड़ा वर्कआउट होता है और एकदम मतलब टिल फेल अपन करते हैं कोई भी एक्सरसाइज, टिल फेल करने का. ट्रेनिंग एकदम हार्ड होगी ना तो फिर एकदम मज़ा ही आ जाता है खाना खाने का, तो इसलिए चलो अभी स्टार्ट करते हैं. बेबी देखो, फिलहाल तक का है ना अराउंड 2.5 months का प्रोग्रेशन ठीक है. मतलब उतना भी कुछ ऐसा खास वास नहीं है, एकदम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कुछ भी बोलते हो. देखो अभी मेरे को कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो ही मैं उसको करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता. और मेरे को बॉडी, मेरे को मतलब ऐसा ये ट्रेनिंग करने के लिए बड़ा मज़ा आ रहा है, अपने आप ही मज़ा आ रहा है. अगर मेरे को तो लिटरली नहीं अच्छा लगता था मैं 2 दिन में छोड़ दिया था. बट अभी मेरे एक बकेट लिस्ट एक और एक आ गई है कि ना मेरे को ना ऐसा मतलब कोई ऐसा मायामी की बीच वीच पर जाके, मतलब इंडिया में नहीं फॉरेन साइड, वहाँ जाके है ना कैलिस्थेनिक्स करने का और फुल ऐसा मतलब लच्ची फिजिक बना के वहाँ जाने का और फुल ऐसा शर्टलेस घूमने का. और समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. चलो अभी वर्कआउट के बाद मिलते हैं, सीधा घर पे मिलते हैं. So everyone, the workout is done and I'm back at home. नाश्ता वास्ता करके हो गया, नाश्ता ब्रेकफास्ट करके हो गया है, ब्रेकफास्ट करके हो गया है. ये जोक मैं कितनी बार मारूंगा मेरे को खुद को नहीं मालूम, बट क्या करें अभी ये सब सेम चीज़ें चल रही है तो वही मारते हैं. बट देखो बहुत सारे लोग वो टी शर्ट पहन के घूमते हैं कि ईट स्लीप, नहीं क्या था, ईट जिम रिपीट, ईट जिम स्लीप रिपीट, ईट जिम स्लीप रिपीट, ईट जिम स्लीप रिपीट.
लोग बोलते इधर अपन करते, कल एक्चुअल में क्या हुआ, कल मैं जब मैं सुबह में उठा, फिर उसके बाद मैंने नाश्ता वाश्ता किया, फिर उसके बाद फिर मैं शाम में गया वर्कआउट करने, उसके बाद फिर मैं आया, उसके बाद फिर मैं सो गया। मतलब मैं फार क्राई खेला मैंने थोड़ा, हाँ मैं फार क्राई खेल रहा हूँ, फार क्राई 3 खेल रहा हूँ। लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला था मैं कौन सा गेम खेल रहा हूँ, मैं फार क्राई 3 खेल रहा हूँ और कतिक चुम्मा गेम है, उसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है, बट वो स्टोरी मैं अभी नहीं बताऊँगा, बताते बाद में बताते, जरा स्टोरियों का मामला चलते रहेगा। बट हाँ मैं वो गेम खेल रहा हूँ, तो चुम्मा गेम है एकदम। तो ये सब लोग बोलते हैं कि ईट जिम स्लीप रिपीट, यहाँ पे अपन करते है ना, वी डू डोप शिट हो, तो वो कल एक्चुअल में मेरे साथ वही हुआ। तो अगर एक बात अगर तुम लोगों ने नोटिस की कि ये सब चीजें मैंने किया, इसके अंदर मैंने एक चीज क्या नहीं किया, मैं नहाया ही नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो मतलब कल मैं नहीं नहाया हूँ, आज मैं नहीं नहाया हूँ, तो मतलब नहाना चाहिए। फटाफट जाते नहा के आते, तुम लोग ऐसा मत करो, नहा लिया करो। बट क्या कर सकते अभी, यही तो कयामत है। चलो नहाने। Shop Shoppers back, कितनी बार back है ना, Shoppers back, देखो नहा धो के आ चुके हैं और ये रहा हमारा। ओहो हो, तेरे बिन जियो नहीं यो लगदा, मैं ते मर गईया, ले जा सोनिए, ले जा। A few moments later. तो आज है फ्राइडे, फटाफट नमाज पढ़ लेते, आज अल्लाह को ज़रा याद कर लेते, क्योंकि आजकल मैं अल्लाह को ज़रा कम याद करने लगा हूँ, कहीं अल्लाह मेरे को याद ना कर ले, इसलिए अल्लाह प्लीज़। फुल साहब कॉलेज वाले चेंज करने की फिराक में है, कुछ इधर पे मीटिंग चालू है कि कॉलेज कैसे चेंज करी जाए, और नहीं तो फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा लाइफ में थोड़ा सा तंगड़ी पाओ, खीमा पाओ। अरे कहना क्या चाहते हो, तंगड़ी ना, हक्का नूडल्स भी होना चाहिए ना, दाल चावल कौन कौन खाता है रोज रोज, सही बात है कि नहीं। अभी अगर कोई कॉलेज में नहीं हुआ ना, तो फिर पहले देख ले जिसके इधर ऑनलाइन क्लासेस जो बैठ रहा है उसकी जाके देख ले, फिर ऑनलाइन क्लासेस देखने के बाद फिर देख के कैसा है फिर लेना, अभी इतने जल्दी मत ले। तो ऑनलाइन क्लासेस एकदम देखने के बाद उसे ना तू भी जाके किसके इधर पे भी देख लेना, अम्मार के इधर, अम्मार तो लेगा ही भाई, मैं तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मैं भी देखूँगा किसके इधर जाके देख लूँगा, नुहैद वुहैद ले लेगा तो और कुछ नहीं कर सकते। अभी हम जा रहे हैं ज़रा बैंक के काम से बाहर, और मैंने पापा को पूछा कि जैसे दो लोग बैठे गए तो बाइक पे ऐसा डंडे तो नहीं मारते ना, तो पहला डंडा तो मेरे को ही लगेगा है ना, तो ऐसा डंडे नहीं मारते क्योंकि इधर वाशी में 14 तारीख तक लॉकडाउन है, इसलिए तो पहला डंडा तो मेरे को ही पड़ेगा, पापा को तो नहीं पड़ेगा, इसलिए अभी हम खा रहे हैं उपमा खा रहे हैं, और एक्चुअल में कॉलेज का थोड़ा एडमिशन का थोड़ा सीन चालू है, अभी देखते हैं 15 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस चालू होगी, फिर ऑनलाइन क्लासेस देखो मैं क्या सीन कर रहा हूँ पता है, पहले मैं ऑनलाइन क्लासेस जाऊँ मतलब मैं एडमिशन नहीं लूँगा मेरी कॉलेज में, पहले मैं मेरे दोस्त लोग का देखूँगा जो एडमिशन ले रहे हैं, फिर उन लोग देखूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस होती कैसा है, और मतलब उसके अंदर वो मज़ा आता है कि नहीं आता है, मतलब एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा बट देखने का एक बार मेरे को कि कैसा होता है, फिर मैं वो देखने के बाद फिर मैं एडमिशन लूँगा, सो इज लेट सी वॉट एवर हैपन्स, बट हाँ पढ़ाई तो चालू हो जाने वाली है, अभी कैसी होगी वो तुम लोग देख लेना, एंड मेक श्योर तो तुम लोग को देखना है तो मेक श्योर स्मैश सब्सक्राइब करो बी बड़ा भी आप, तो फिर तुम लोग देख पाओगे ना, मतलब तुम लोग ऐसे वीडियोज देखने मिलेगी, तो सो यस दैट वॉज इट। मेरी बाल ये साइड से चपटे हो जाते क्योंकि मैं दिन भर हेडफोन्स पहन के रहता हूँ और मैं फार क्राई खेलते रहता हूँ, अभी ऑलमोस्ट गेम खत्म होने वाला है और नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली गेम प्ले है, डेफिनेटली कल तुम लोग जो वीडियो देखने वाले हो वो गेम प्ले ही होने वाली है, सो यस दैट वाज इट फॉर द व्लॉग, छोटा सा सिंपल सा व्लॉग था, एंड थैंक यू सो मच जो भी कमेंट करता है वीडियो पे, जो भी लाइक करता है और जो भी सब्सक्राइब करता है, थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब करने, बोलो डोपशिट ब्लॉगर है दीहा बेशरम।
yes, that is it for the vlog. I hope you guys liked the video. If you guys did, make sure to give it a big fat thumbs up. Make sure to smash the subscribe button to be a part of the helps. So, then I'll see you. Then I'll see you. Haste raho, muskurate raho. Upma khalo. Karna, aise kar aisa. ऐसे कर ऐसा अबे एक बार करना. हाँ बेटा तू मत कर, आएगा सबका टाइम आएगा.